मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज गिरफ्तार हो गया है। रायबरेली में फर्जी गोली कांड को लेकर ये गिरफ्तारी हुई है। मुनव्वर राणा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने तबरेज को पीटा, वो फरार नहीं था, यह आरोप मुनव्वर राणा लगा रहे हैं। न्याय के लिए अब अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। दरअसल खुद पर हमले की साजिश रचने के आरोपी शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज को रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तबरेज को लखनऊ के लाल कुआं से पकड़ा। 28 जून को तबरेज राणा पर हाईवे पर हमला हुआ था और उस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, लेकिन जब मामले की जांच की गई तो उसमें खुद ही हमले की साजिश रचने की बात सामने आई। तबरेज ने खुद को साजिश का आरोपी माना था और इस साजिश में तबरेज के अलावा 4 अन्य आरोपी भी थे जिन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन तबरेज तब से फरार चल रहा था। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज को आज एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ में इस समय मुनव्वर राणा जी मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। मुनव्वर जी, काफ़ी दिन पहले केस दर्ज हुआ था, खुद पर ही हमला कराने का उन पर आरोप था और आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगर खुद पे हमला कराने का आरोप था या है, तब तो मुझे भी मोदी जी को अब मंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही एक केस 4 महीने 5 महीने पहले एक एमपी के बेटे ने किया था तो उसको मंत्री बना दिया गया सेंट्रल में। तो मुझे उम्मीद हो रही कि मुझे भी मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन यह है कि जिस तरह का सलूक पुलिस का था उस बार भी अभी भी, ये मतलब क्या कहा जा सकता है भाई। पुलिस है तो हिंदुस्तान की पुलिस तो खुदा है, जो समझे जो कहे जो, बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं यही है कि बात घूम फिर के अदालत तक जाती है, अब अदालत जैसा चाहेगी वैसा होगा। और अब बात जौनपुर की। जौनपुर में जहरीली मिठाई खाने से 3 बच्चों की मौत हो गई और इन बच्चों ने रक्षाबंधन के मौके पर ये मिठाई खाई थी और मिठाई खाने के बाद इन बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। कुल 5 बच्चों ने मिठाई खाई थी जिनमें से 3 की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चों की हालत अब भी बिगड़ी हुई है, वो अस्पताल में भर्ती है और कहा यह जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती बच्चों की हालत अब पहले से बेहतर है। स्वास्थ्य विभाग के सीएचसी के एमओसी से वार्ता भी हुई है, उनका ये कहना था कि प्रथम दृष्टया ये फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आ रहा है। उनके द्वारा कुछ प्रिकॉशनरी दवाई भी वहाँ पे वितरित कर दी गई है और साफ सफाई के संबंध में जो जरूरी दिशा निर्देश थे उन्हें वहाँ पे दे दिया गया है। शेष जाँच की जा रही है जिसकी स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा। और अब बात कानपुर की, जहां जर्जर मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। यहां मकान के मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक शख्स घायल है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे में सीएम योगी ने संज्ञान भी लिया और अधिकारियों को फौरन राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। यह हादसा बेकनगंज थाना इलाके के रिजवी रोड के पास का है। तो कानपुर में बड़ा हादसा हुआ है, एक जर्जर मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है।